दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने अब तक टॉपिक नंबर टू टॉपिक नंबर थ्री टॉपिक नंबर फोर ये कवर कर लिया है जहां से लगभग टू 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर फाइव एंड टॉपिक नंबर सिक्स करेंगे जहाँ से मिनिमम फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक नंबर फाइव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्स इंडिविजुअल डिस्प्यूट एंड टॉपिक नंबर सिक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक के साथ इनके क्वेश्चन पेपर को भी कवर करने का सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने टॉपिक नंबर फाइव पे चलते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट ये दोनों बहुत छोटा टॉपिक है बट इन दोनों टॉपिक्स में आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए टॉपिक नंबर फाइव दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेज इंडिविजुअल डिस्प्यूट इसमें मेनली हम लोग दो सेक्शन कवर करेंगे दैट इज सेक्शन 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 एंड में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में डेफिनेशन होगा जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट वाले वीडियोस में देख चुके हैं बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको इसका डेफिनेशन होगा देन सेक्शन कैपिटल ए जिसमें बताया जाएगा की कि अगर किसी इंडिविजुअल इम्प्लाई को डिसमिस कर दिया जाता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है होगा या नहीं होगा इसके बारे में चर्चा किया गया है सेक्शन टू ए में तो आइए हम लोग चालू करते हैं सेक्शन टू के होगा बिटवीन इंप्लायर्स एंड इम्प्लॉय और बिटवीन इम्प्लॉर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन विच इज कनेक्टेड विद यहाँ आता है सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इस डिस्प्यूट का इम्प्लॉयमेंट और नॉन इंप्लायमेंट

वर्कमैन वर्कमैन अब इन लोगों के बीच में सब्जेक्ट मैटर दैट इज रिलेटेड टू इम्प्लायमेंट नॉन इम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ इम्प्लायमेंट कंडीशन ऑफ लेबर और एनी पर्सन एनी पर्सन का जो यहाँ यूज हो रहा है वहां से क्वेश्चन बराबर आता है अब जो ये डिस्प्यूट जो है दैट कैन बी इन रिलेशन टू एनी वर्कमैन और वर्कमैन एनी वर्कमैन एंड वर्कमैन में डिफरेंस है एनी वर्कमैन का मतलब हो गया कि किसी दूसरे इंडस्ट्री के भी वर्कमैन के साथ डिस्प्यूट हो सकता है और वर्कमैन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ही बारे में बात की जा रही है जहाँ डिस्प्यूट रेज हो रहा है अब आते हैं बात करते हैं कि एनी पर्सन कहने का मतलब क्या है एनी पर्सन कहने का मतलब ये है की एक्चुअली में वो अभी एम्प्लॉय नहीं है उसे इम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं मिला हुआ है बट वो एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन से अफेक्टेड है लाइक like कहने का मतलब ये है कि आपने सपोज कोई इंटरव्यू दिया इंटरव्यू देने के बाद आपका सारा चीज होता है टर्म्स ऑफ इंप्लायमेंट वगैरह सारी चीज कही आती है आपके बारे में अब इस जगह पर आप इम्प्लॉय नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लेकिन आप अफेक्टेड पार्टी हो सकते हैं यदि आपके ऑफर लेटर को रद्द कर दिया जाए तो तो ये एनी पर्सन एक तो फर्स्ट उन लोगों के लिए होता है जो कि अभी उस इंडस्ट्री के इम्प्लॉय नहीं हुए हैं वर्कमैन नहीं हुए हैं एंड सेकेंड उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें की कम्पल्सनेट अपॉइंटमेंट मिल रहा है कम्पल्सनेट अपॉइंटमेंट क्या होता है कि सपोज कोई पर्सन काम कर रहा है और उस वर्किंग आवर के दौरान ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को नौकरी दी जाती है तो अभी एक्चुअली में वो पर्सन एम्प्लॉय नहीं हुआ है लेकिन जो भी इंप्लायमेंट का टर्म्स कंडीशन ये सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है उससे वो पर्सन अफेक्टेड हो सकता है तो एनी पर्सन का मतलब यहाँ से लिया जाता है तो ये डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्प्यूट का का अब इसका देखते हैं हम लोग सेक्शन ए कहता है कि अगर एक पर्सन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हो रहा है तो वो किस किस कंडीशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा इट मीन इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा सेक्शन टू कैपिटल ए टॉक्स अबाउट डिस्मिसल इ ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ ईटीसी का मतलब है, dismissal के अलावा और चीजें लाइक डिस्चार्ज हो सकता है टर्मिनेशन हो, हो सकता है ये चीजें हो सकती है अब ये हो सकता है की कि कि किसी वर्कमैन का इंडिविजुअल डिस्प्यूट चल रहा है तो तीन कंडीशन हो सकता है फर्स्ट वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाए दूसरा वो कन्वर्ट ना हो पाए और तीसरा शुरू से ही वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है अब एज पर दिस सेक्शन टू ए ये कहता है कि अगर कोई इम्प्लॉयर किसी इंडिविजुअल वर्कमैन को उसके सर्विस से डिस्चार्ज करता है डिसमिस करता है रिट्रेंच करता है या टर्मिनेट करता है उसकी सर्विस तो ये मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मैटर बनता है इसके अलावा कोई अदर मैटर जो होगा वो जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बने वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब बनेगा यदि उस मैटर को बाकी वर्कर या यूनियन सपोर्ट करता है तो फिर वो मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है दैट इज अंडर कैटेगरी 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 मे वाले वाले में में इस वाले में आपका ये आया एंड कैन नॉट बी जो उसका अपना पर्सनल है और उसे ना तो ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिलता है और ना ही अन्य वर्कर का सपोर्ट मिलता है तो उस कंडीशन में वो डिस्प्यूट इंडिविजुअल डिस्प्यूट ही रहेगा बल्कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि तीन तरह का कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट का तीन एंड होता है फर्स्ट एंड ये हो गया कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होगा सेकेंड वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू से है एंड थर्ड वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है नहीं होगा जब उसका अपना खुद का मैटर होगा एंड इज सपोर्टेड बाय अदर वर्कमैन और ट्रेड यूनियन वो शुरू से कैसे होगा इफ इट द मैटर इज रिलेटेड टू डिस्चार्ज रिट्रेंच एंड टर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्कमैन एंड मे बी कन्वर्ट आपको हो सकता है की यदि बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विसेज की है यदि उससे रिलेटेड कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है और वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट सपोर्टेड वर्कमैन और ट्रेड यूनियन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। I think it is very much clear. अब यहाँ पर आते इस मैटर को एजुकेट करने के लिए ट्राइब्यूनल के, के, के पास रेफर कर सके तो सब सेक्शन टू इस का कहता है कि एक वर्कमैन पहले कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा एंड द कंसलेशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रियट गवर्नमेंट मतलब अगर ये मैटर किसी स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए कंसलेशन ऑफिसर के पास जाना है अगर ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनती है तो उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कंसलेशन ऑफिसर के पास ये वर्कमैन आपको पहुंचेंगे और अपने ग्रीवियंसिस को रखेंगे अगर ये कंसलेशन ऑफिसर फाइव डेज तक में ग्रीवियंसिस को एड्रेस नहीं कर पाते हैं आफ्टर फाइव डेज जब वो एक्सपायर कर जाता है तो वर्कमैन अगर चाहे तो इस मैटर को लेबर कोर्ट में या ट्राइबूनल में रेफर कर सकता है अब सपोज जब इसका फाइव डे एक्सपायर कर गया तो उसके बाद जरूरी ये नहीं है कि वो अगले वेरी नेक्स्ट डे जाकर ही लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल कर जमा करे अप्लीकेशन को या इस मैटर को रेफर करे बल्कि इसके लिए लिमिटेशन दिया हुआ है सबसेक्शन थ्री में थ्री इयर्स का जिस दिन इस पर्टिकुलर इम्प्लॉय का डिसमिसल रिट्रेंस या टर्मिनेशन हुआ है उसके विद इन थ्री इयर्स ये पर्सन अगर चाहे तो लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास अप्रोच कर सकता है बट उससे पहले उससे कंसलेशन ऑफिसर का चैनल एग्जॉस्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही वो लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जा सकता है ये आपका सेक्शन टू ए में है आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर और यहाँ आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वर्सेस इंडिविजुअल डिस्प्यूट समाप्त होता है इसमें तीन केसेस है जो लास्ट का केस है वो एक्चुअली में इसी पे डिपेंडेंट है कि कैसे इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है अब इसके चलते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज इज ऑफ वर्कमैन गिवन अंडर सेक्शन बट उससे पहले एक बार हम लोग बेड के प्रोविजन में देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को सेक्शन टू एस वर्कमैन टू बी डीम टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फर्स्ट वेयर एरी इंप्यर डिस्चार्जेस डिस्मिसेस रिट्रेंचेस और अदरवाइज टर्मिनेट्स द सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द वर्कमैन एंड हिज एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद और अराइजिंग टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नॉट विदैंडिंग दैट नो अदर वर्कमैन नॉर एनी यूनियन ऑफ वर्कमैन इज पार्टी टू द डिस्प्यूट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वही चीजें है कि अगर कोई भी मैटर जो कि डिस्चार्ज डिस्मिसल रिट्रेंच या टर्मिनेशन से रिलेटेड है दैट शैल बी मतलब

डेफिनेशन इसमें क्यों दिया गया है और क्या जरूरत है वर्कमैन के डेफिनेशन की तो ये आपको मालूम होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्प्यूट जो कि 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 हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है है इंडस्ट्रियल में जरूरी है कि वो वर्कमैन वर्कमैन के बीच में होता है वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में होता है तो वर्कमैन एक ऐसा टर्म है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को देखने के लिए ये जरूरी है सबसे पहले की वर्कमैन के डेफिनेशन को जाना जाए क्योंकि अगर वर्कमैन होगा तो ही ये मैटर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाएगा अगर वर्कमैन के डेफिनेशन में कोई पर्सन

पर्सन मस्ट भी इंप्लायड अगर वह इंप्लायड नहीं होगा

कोड के द्वारा तो इसी कारण इसमें कहता है कि इम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री विच इज गिवन अंडर सेक्शन टू जे अब इसमें बताता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या होगा इन वर्कमैन का फर्स्ट कहता है इट कैन बी अ मैनुअल वर्क अनस्किल्ड वर्क स्किल्ड वर्क टेक्निकल ऑपरेशनल कलरकियल सुपरवाइजरी वर्क ये टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सुपरवाइजरी वर्क आपको यहाँ भी दिखेगा और सुपरवाइजरी वर्क आपको दिखेगा जब इंक्लूड नहीं किया जाता है तो बट यहाँ कहता है सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर एंड रिवार्ड इसका मतलब इस पर्सन का अपॉइंटमेंट यहाँ एज ए सुपरवाइजर नहीं हुआ है बल्कि इसका फंक्शन है इस जगह पर सुपरवाइजर की के तरह केवल हायर और रिमूवल के लिए बाकी अदर फंक्शन के लिए यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है अब कहता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इस इंप्लाई का होगा दैट

ये कहता है कि कौन कौन लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में शामिल नहीं किए जा सकते हैं इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं फर्स्ट कहता है डिफेंस पर्सनल चाहे वो आर्मी का हो एयरफोर्स का हो नेवी का हो ये लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन में पायलट की बात की जाएगी तो वो किसी एयरफोर्स से नहीं है तो उस कंडीशन में वो पायलट वर्कमैन के कैटेगरी में फॉल करेगा सेकेंड कहता है इफ अ पर्सन इज इम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस या ऑफिसर है या फिर प्रिजन में किसी तरीके से उसे इम्प्लायमेंट अगर मिला हुआ है तो वो वर्कमैन के कैटेगरी में फॉल

को कि इस पर्टिकुलर काम के लिए ये सुपरवाइजरी काम कर सकता है बट वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आया नहीं था या उसे पोस्ट नहीं दिया गया है इस कैटेगरी में तभी फॉल करेगा जब वो सुपरवाइजरी में काम कर रहा है उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है अगर उस पोस्ट को बिना होल्ड किए हुए अगर उस फंक्शन को परफॉर्म करता है तो वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में नहीं आएगा बल्कि वो वर्कमैन

वजह से टेन थाउजेंड पर मंथ वो विड्रॉ करता है बट यहाँ पर बात ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो कलरिकल कैपेसिटी में आया है अगर वो टेन थाउजेंड रुपीज विद्रॉ करता है तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा तो आंसर है इसका नो रीजन ये है की जब आप टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ विदड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये है की आप मैनेजरियल फंक्शन वहां पे कर रहे हैं तो मेनली ये टेन थाउजेंड रुपीज मैनेजरियल फंक्शन के लिए है ना कि अदर फंक्शन के लिए अगर आप कलरिकल फंक्शन के लिए टेन थाउजेंड रुपीज अगर विदड्रॉ कर रहे हैं तो आप वर्कमैन की कैटेगरी में आएंगे

हो जाएगा डिस्प्यूट कवर्ड देना है, में, और बताना है, क्या ये है अगर ये मैटर नहीं है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में शामिल नहीं होगा क्योंकि आप के लिए नहीं कर सकते हैं कि उनकी सैलरी कम की जाए विद होल्डिंग द प्रमोशन वर्कमैन ये आपका हो सकता है, जो हमारा था, उसमें अगर ये करता है तो फिर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनेगा अगर उसमें फॉल नहीं करता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये नहीं बनेगा देन कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टांस अंडर विच द इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो अब आपको मालूम है सेक्शन टू कैपिटल ए उस सरकमस्टिस को आप बता देंगे जहाँ चार सर्कमस्टांसेस है जिसके बेसिस पर ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट अब आप आराम से ये बता सकते हैं देन नेक्स्ट आपको कहता है डॉक्टर राजा बाबू वॉज अपॉइंटेड एज चीफ मेडिकल ऑफिसर इन अ इनिपल कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लेनली स्टेटेड दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड The supervisor. It also stated that it was on probation for months and his permanent appointment was to be considered during the period. Charged with allegation of sexual harassment at workplace, he was removed from work without due notice of one month, as mentioned in his contract. Pleading innocence, he approached the trade union of the department. क्या ये चीज आ सकता है ये आपको देखना होगा. क्या वहां पर कहीं बात किया गया है की परमानेंट इंप्लाई होना चाहिए या प्रोवेशन में होना चाहिए अगर उसके बारे में बात नहीं किया गया है तो फिर ये आ जाएगा और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कहीं भी

पर वाला है तो आपका टीचर वाला जैसे आ जाता है तो आपको यह देखना होगा वो वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता है इस प्रकार से आपका यह सारा का सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं टॉपिक नंबर फाइव में अब हम लोग चलते टॉपिक नंबर सिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट रह गया है कॉन्प्ट ऑफ वर्कमैन में एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है इसका मतलब होता है वर्कमैन एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है दैट इज नॉट अ वर्कमैन दैट इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और इसके बेसिस में दोनों में आप डिफरेंस कर लीजिएगा दैट इज नॉट अ बिग डील वो आराम से हो जाएगा बिकॉज जहां भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा मतलब वर्कमैन की बात होगी वहां पर सुपरविजन एंड डायरेक्शन जो होगा वो एम्प्लॉयर का होगा कोई भी काम कैसे करना है कब करना है कहा करना है इस पे पूरा का पूरा राइट एम्प्लॉयर का आपको होता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता है सुपरविजन उसके हिसाब से नहीं होता है काम ये अपने हिसाब से करके देते हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब जहाँ वर्कमैन होते हैं वहां पर वेजेस आपको मंथली मिल जाता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जब आपका काम समाप्त होता है तब जाकर के वेजेज मिलता है ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है बस मेनली आपको ये

वर्कमैन की में डाल देता तो उस कंडीशन में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कवर होता अदरवाइज जब नहीं डाला गया है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो दोनों में आप सीधे में नहीं जाते हैं के है। आपके केस को इंटरटेन करने का बल्कि उस कंडीशन में आप के जाते या लेबर हैं सिविल कोर्ट में आप नहीं जाते हैं उनका रोडिक्स नहीं होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था में एक्चुअली होता यह है कि सिविल कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर मैटर पर सुनवाई करती है हाई कोर्ट भी जवाब देती है जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना होता है कि जब ये मैटर आपके का था ही नहीं तो फिर आपने इस पर अपना फैसला कैसे दे दिया बिकॉज जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मामला होता है वो या तो रेफर किया जाएगा ट्राइब्यूनल को या फिर वो रेफर किया जाएगा लेबर कोर्ट को या फिर किसी बोर्ड को रेफर किया जाएगा विच इज गिवन अंडर सेक्शन टेन ऑफ द एक्ट तो जब ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया हुआ है वो सेक्शन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तो आप उसके बियॉन्ड नहीं जाए सकते हैं दैट इज अल्ट्रा वायर्स नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे हाँ तो अब यहाँ पर उसके बेसिस पे आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक इंजीनियर सेल्स ऑफिसर एम्प्लॉयड इन सेल्स डिपार्टमेंट अब जो है ये सेल्स ऑफिसर है तो अब आपको ये बताना है तो क्या ये उसमें उस कैटेगरी में, उस में आएगा तो ये था आपका इस केस में जबकि एचआर आदित्य वाला जो केस है इसमें एम का केस इसको आप मान सकते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो कमीशन एजेंट होते हैं वो लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो जब भी कमीशन एजेंट एम की बात होगी वर्कमैन के प्रव्यू में वो नहीं आएगा रीजन क्या है केस आप जरूर पक कर के जाइएगा इसका ताकि आपका लॉजिक स्ट्रांग हो ताकि आप जो भी वहां पर लिखे दैट शुड बी साउंड लॉजिकली तो इस तरीके से आपका जो है ये आराम से हो जाएगा अब कार्पेंटर विद टेन ईयर्स एक्सपीरियंस इंप्लायड इन दिल्ली दिल्ली प्रिजन जैसे ही आपको आ गया वर्कमैन के कैटेगरी में नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें साफ

आप अगर प्ले कर रहे हैं तब वहां पर मैटर करता है पैसा टेन थाउजेंड का अब कार्पेंटर इम्प्लॉयमेंट जेल नहीं होगा सेल्स से देखेंगे और साथ में जो भी केस लॉस दिया हुआ है पढ़ करके जाएंगे तो ये मान के चलिए मिनिमम फोर्टी मार्क्स एंड मैक्सिमम फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टे ट्यून विद मी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट के साथ थैंक यू वेरी मच यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें थैंक यू